आलिया भट्ट, यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वॉचिंग। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कांच का काम करने वाले मजदूरों ने मानदेय और मजदूरों को मिलने वाली सुविधाएं ना मिलने के चलते हड़ताल कर दी। श्रमिकों का आरोप है कि बैठकों में मानदेय तय होने के बाद भी उनको मानदेय नहीं मिल रहा। आपको बता दें कि फिरोजाबाद शहर में कांच की फैक्ट्रियों में लगभग 80,000 मजदूर काम कर रहे हैं। इन सभी का कहना है कि कांच का व्यवसाय करने वाले व्यापारी उनका मानदेय ठीक से नहीं देते, साथ ही कर चोरी कर सरकार को भी खासा चूना लगाया जाता है। वहीं मजदूरों और स्टाफ के बीच एक बैठक भी हुई, लेकिन बैठक में श्रम आयुक्त के न आने से मजदूरों का गुस्सा भड़क गया। हालांकि मजदूरों को जब उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन मिला, तब जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ। फिरोजाबाद में 80,000 चूड़ी जुड़ाई के मजदूर काम करते हैं। इन मजदूरों को श्रम कानूनों के तहत किसी भी प्रकार की सुविधा सेवा आयोगों द्वारा नहीं दी जाती, और ना ही उनको असंगठित क्षेत्र का मजदूर माना जाता है। जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर के तहत भी इनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो भी इनको नहीं मिल पाती है। बस पुणे 8 तारीख दी गई थी, उस पर पुणे से पर्स द्वारा नहीं है, बल्कि उनका लिखित कथन यह आया है कि चूंकि इस संबंध में जो मांगे इनके द्वारा दी गई है, वो संबंधित समस्त मांगे जो है पूर्व में यूनियन द्वारा जो है उनके साथ समझौता उनका हो गया है। क्योंकि उनके द्वारा यूनियन का समझौता हो गया है, अतः वो अन्य किसी से समझौता करने का कोई चौत्य नहीं है, और उन्होंने जो है वार्ता इस संबंध में करने से इनकार कर दिया है। Hi, this is Suraj Pancholi and you're watching Expose India.